अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ सभी का आजमी आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब नाजिन साइफ़र केस में एक बड़ा ट्विस्ट आया इमरान ख़ान के मुखालिफ जनरल बाजवा को गवाही के लिए पेश करने का जो मामला है उसकी पूरी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ इलेक्शन रुकवाने के मामले में भी बड़ी पेशरफ्त हुई उसमें समात भी आज हुई आई एम एफ एक तरफ गुस्से में दूसरी तरफ फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के नाम पर एक डिनर भी हुआ जिसमें आई एम एफ वर्ल्ड बैंक के एग्जैक्टिव पहुँचे लेकिन क्या पैसे देंगे या नहीं ये बड़ा मामला है बाय बयान तरीके साफ के बड़े अहम लोग अगवा कर ली गए और कुछ लोग डट भी चुके हैं उनकी तफसल क्या है और कुछ लोग पार्टी और सियासत छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं इसकी तफसल भी आपके सामने रखता हूँ चौधरी निसार का एक दफ़ा फिर एक बयान मंजर आम पर अले शरीफ के बारे में और जो इस वक्त ऑडियो वीडियोज़ की एक हकीकत है लतीफ़ खोसा साहब और बुशा बीबी का मामला उसमें चार इदारों को नोटिस डी जी आई एस आई भी तलब और चार दिन के अगवा के बाद मंजूर पश्तीम भी सामने आ गए और जमीतलमाया इस्लाम के सेनेटर गफ़ूर हैदरी ने रजीम चेंज ऑपरेशन पर एक दफ़ा फिर इमरान खान की हमायत कर दी बताया कि किस तरह हकूमत गिराई गई नवाज शरी की हमायती एंकर और जो प्रोपागेंडा सर्वे की बुनियाद पर इंसाफ की जो मकबूलियत में इजाफा है उसे कम करने के लिए एक वारदात करें उसका पोस्टमार्टम करना बड़ा ज़रूरी है और पिशावर हाईकोर्ट ने सकटरी इलेक्शन कमीशन को यकीन दहानी ली कि तहरीकानसाफ़ को लेवल प्लेंग फील्ड लाजमी देना है इस वक्त हर पाकिस्तानी के जेन में एक इलेक्शन होंगे या नहीं हाई कोर्ट में इलेक्शन रुकवाने का मामला भी समात वो भी चल रही है और निगरान वजी अजम कह रहे हैं इलेक्शन आठ फरवरी लाजमी है तोशाखाना नैब केस में जो लंदन माहे के मुताबिक जज बशीर को दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है खदीजा शाह के जो तो शोहर हैं वो भी मंजर आम पर आगे बड़ा बयान दिया और हामिद मीर साहब के हवाले से उसकी ज़बान काटने के बारे में एक बयान इमरान रियाज बनाने का मामला इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए इन तमाम खबरों की तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ Uh, सबसे पहले साइफर केस इसमें आपको पता है एक ट्विस्ट आपको याद होगा इमरान ख़ान ने अभी नौ मिनट जो मीडिया के साथ गुफ्तू की इसमें मुतालबा किया कि अमरीकी सफारत खाने के लोगों को बताया जाए कि डोनल्ड लू को गुआ के तौर पर जिस पर दफ्तर खारजा से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अमरीकी हकाम को जो इमरान ख़ान बुलाना चाहते हैं तो उस पर आपका क्या रद्म है तो दफ्तर खारजा ने बड़े तरीके से जान छुड़ा ली कि के यह केस तो इस वक्त अदालत में जेर समात है हम रद्द नहीं दे सकते दूसरे मानों में सबावर पे ग्रेड हमारी तनख्वाह से बड़ा मामला है मत छेड़े दूसरा गवाह जो थे वो जनरल बाजवा आपको पता है उन्हें लाया जाए अंसार अब्बासी ने बात की बयान जारी करा बाजवा साहब के तो से कि इमरान खान को जनरल बाजवा सरप्राइज देंगे और अदालत में गवाह के तौर पर आ सकते हैं खान को मायूस नहीं करेंगे अच्छा साइफर केस में अगर ये गवाह पेश हों तो इन्हें पता है कि सबसे पहले तो देखें रिटायर्ड जनरल का अदालत में आने का मामला पाकिस्तान में आप माजी उठा के देखें तो ऐसा कभी नहीं हुआ अभी फैज़ाबाद धरने केस में निगरान वजीर दाखिला सरफराज अकबर मुफ्ती ने साफ 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 कह दिया कि हम जनरल फ़ैज़ और जनरल बाजवा को अदालतों में नहीं आने देंगे क्योंकि अदालतों में अगर वो आएंगे एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर रुकेगा नहीं फिर एक गवाह के तौर पर जब वो आएँ तो फिर आपको पता है बुकला इमरान ख़ान के बड़े टेक्निकल अंदाज़ में जरा करेंगे ऐसे मामलात उठाएँगे खारजा पॉलिसी से लेकर कौमी सलामती के मसाइल पर सवाल होंगे जो किसी सूरत में कौमी मफाद के उसमें नहीं आती मिसाल के तौर पर इमरान खान अगर एक मुल्क की पॉलिसी दे रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के मामले में पाकिस्तान न्यूट्रल है तो अगले दिन जनरल बाजवा रूस की मुखालफत में बयान देते हैं इमरान खान को भेजते हैं, फिर कहते हैं मैंने भेजा नहीं कौमी सलामती के दोनों इजलास में उसके बाद हुसैन कानी से लॉबिंग करवाते हैं साइफर किसे भेजा गया उसके अंदर जो ज़बान इस्तेमाल है बहुत से ऐसे सवाल हैं पूछने वाले के अंदर भी हिम्मत और जवाब देने वाले के अंदर भी हिम्मत तो ये <coughs> गवाही जो है वो फिर कादम हो सकती है कोई हर सवाल का जवाब देना लाजमी है इसका फ़ायदा इमरान खान को होगा इसलिए टेक्निकल तरीके से इन्हें मुलव तो ख़ान ने किया लेकिन ये कभी आएंगे नहीं जज आम तौर पर इस तरह के गुआन को बुलाएगा नहीं तो केस इमरान खान का मजबूत होता है इसीलिए इस केस को खुफिया ट्रायल के तौर पर करना ताकि गवाहान का जिक्र ही ना आए यहाँ पर आप देखें दूसरा मामला जो लतीफ़ खोसा साहब ने और बुशा बीबी के आडियो कॉल का बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज बाबर सत्तार की अदालत में जो पहले ही ऑडियो लीक का प्राइवेसी का बुनियादी हकूक़ का केस सुन रहे हैं अदालत में दरख्वास्त की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोबाइल फ़ोन ऑडियो पर जिनके सर्वेलेंस लगाई गई है उसे किसी तरह ख़त्म कराया है उनकी ऑडियो लीक करते हैं फिर मीडिया के टी वी स्टेशन को देते हैं अखबार में देते हैं सोशल मीडिया पर नशर करते हैं और ये हमारी प्राइवेसी हमारे बुनियादी हकूक़ को हो रहे हैं इस पर अमरीका में तो सदर की वजारत चली गई थी अब सरदार अब्दुल लतीफ़ खोसा ने इस्लाम हाई कोर्ट में बुशा बीबी की तरफ से केस दायर किया बाबर सत्तार ने एफ़ आई ए को हुक्म दिया कि पहले तो उसकी फॉरेंसिक करवाएं कि ये कहाँ से जारी हुई फिर ट्विटर पर कैसे आई और फिर लतीफ़ खोसा ने कहा ये बाकायदा टी वी चैनल्स को दी जाती है और वो इसे बाकायदा तौर पर बर रास्त चलाते हैं पैमरा के मातहत वो काम करते हैं तो बाबर सत्तार ने पूछा कि बिग बॉस तो फिर सुन रहे है हर चीज़ को उन्हें पता है ऑडियो कौन रिकॉर्ड करता है ऑडियो लीक केस में जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ आपको पता है जो ऑडियो इस्तेमाल हुई उसे भी सोशल मीडिया पे सहाफियों के अकाउंट से शेयर किया गया इंक्वायरी कमीशन जब बना के उन सहाफ़ियों से पूछा तो वो कहते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए हमारे साथ तो डकेती होगी किसी ने लूट लिया हमें तो पता ही नहीं हमारे फ़ोन का भी इस्तेमाल हुए अब यही मामला जब जनरल बाजवा के एफ बी के मामले में थे तो सहाफ़ी उसको शाह तेला को भी उठाया गया अहमद से भी पूछा गया कार्रवाई उनके लैपटॉप उठा लिए गए मोबाइल फ़ोन ले लिए गए अब नूनली के साफियों के अगर लैपटॉप ये लें या मोबाइल लें तो उन्हें पता चल जाएगा ऑडियो कहाँ से चलती है कौन बनाता है व्हाट्सएप मैसेज में कैसे आती है किस तरह एक जैसा बयानिया बना के दिया जाता है किस तरह एक जैसे मैसेज में एक लफ्ज़ भी आगे पीछे किए बगैर ट्वीट भी हो जाती है और इस केस में बड़ी पेशर रफ्तार दिखें अब एफ आई एडियो लीक के हवाले से आइंदा समात में अब अदालत ने कॉपी डी जी आई एस आई को भेजने की हिदायत की और कहा उन्हें वो भी रिपोर्ट करें ऑडियो लीक किसने रिलीज़ की कैमरा को भी और पीटीए को भी सबको नोटिस जारी किए तो ये केस पाए तकमील तक ज़रूर पहुंचेगा अब अदालतों में देखें अभी जजेस मौजूद हैं जो इंसाफ पे काम करें पिशावर हाई कोर्ट ने जिस तरह सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा एजाज अनवर साहब ने जज एजाज अनवर ने बुला के उसको रगड़ा कि तहरीक इंसाफ़ जलसे करती है आप क्रैकडाउन करते हैं उनको सियासी सरगर्मियाँ करने दफा एक सौ चौतालीस लगाते हैं बाकी सियासी जमातें करें कोई एम का मुकदमा नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं उनके लिए कोई मसला नहीं तो यकीन करें अगर जजेस स्टैंड लें तो ये सारे मामला हल हो सकते हैं वरना फरना तोशाखाना केस में जिस तरह लंदन मॉदे के तहत वो कार्रवाई कर रहे हैं वारदात कर रहे हैं कि इमरान खान की दरख्वास्त आपको पता है ज़मानत का गिरफ्तारी ट्रायल कोर्ट में मुस्तरद हुई उसे हाई कोर्ट ने बहाल किया अब ये दोबारा एतसाब अदालत में उठा के ले गए जज मोहम्मद बशीर के पास अब यहाँ बड़ा अहम पहलू है कि हाई कोर्ट ने बहाल किया तो ट्रायल कोर्ट से दोबारा कैसे सुन सकती है लेकिन जज मोहम्मद बशीर से अगर दोबारा बहाल करता है तो फिर नायब इमरान खान को इस केस में भी गिरफ्तार करेगी और इनकी कोशिश यही है कि खान को इन केसेस में बस उलझाए रखना है <coughs> माफ कीजिएगा एक तरफ काजी फाइस फरवरी के इलेक्शन पर पत्थर पर लकीर और मीडिया में बात ना करने का हुक्म दूसरी तरफ आमिर फारूक इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में केस की समाप्त भी शुरू कर देता है और कहता है कि इस केस में हमारा कोई लेना देना नहीं है आप जाइए इलेक्शन कमीशन में केस तो उन पर इलेक्ट्रोल शेड्यूल तो उन्होंने अनाउंस करना है इलेक्शन एक्ट अगर आप पढ़े तो उसमें तो वोटर्स की लिस्ट है सारी जिम्मेदारी उनकी है हाई कोर्ट में तो केस बनता ही नहीं था अगर वो अमल नहीं करते तो फिर केस था लेकिन इन्होंने पहले ही वो उसको ले नाकबले समात केस था अगर बुलाना ही था तो इसको आप वज़ारत दाखिला को बुलाए और वजारत इनको बुलाएँ निगरान इनको बुला के पूछें आप क्योंकि असल मसला ये है कि इलेक्शन अगर मुलतवी होते हैं तो सिक्योरिटी के नाम पर होंगे आपको माजी में याद होगा के पंजाब में और के पी में जब इलेक्शन के लिए फ़ौज की ड्यूटी मांगी तो उस वक्त वजारत दिफा ने यह क्या कि हमारे सिक्योरिटी हालात ठीक नहीं तीन लाख फौजी चाहिए इनको इलेक्शन के लिए आज पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात मज़ीद बदतर हो चुके हैं के पी में आप देख कि लेंगे रहमान यहाँ तक कहता है कि हमें उन इलाकों में तखावी मुहिम नहीं चलाने की इजाज़त अब वजारत दिफा या वज़ारत दाखिला तीन लाख फ़ौज कहाँ से लाएगी जो इलेक्शन करवाएं इसीलिए इन्हें इलेक्शन कमीशन को वजारत दिफा और वजारत दाखिला से ये रिपोर्ट जो उन्होंने तलब की है वो अब इस रिपोर्ट के बाद मामला असल में सामने आएगा कि ये क्या करेंगे ये जो इलेक्शन का मामला है देखें ये कटाई में ज़रूर पड़ेगा इसीलिए निगरान वजीर आजम बार बार ये बयान दे रहे हैं कि आठ फरवरी शुक्र को शुभ ना करें यह हर पाकिस्तानी के ज़ेन में सक सवाल है कि इलेक्शन होंगे या नहीं उसकी वजह को वजह सादी बताऊँ ग्राउंड लेवल पर अगर इन्हें अंदाज़ा हो कि तहरीकानसाफ़ को ये तोड़ चुके हैं तरीके अगर अपनी आबोताब से आवाम के अंदर मौजूद नहीं है तो फिर ये करा देंगे लेकिन इन्हें अभी इसका अंदाजा नहीं ये जितने भी सर्वे मुल्क में करवा रहे हैं वो सारे के सारे तरीके के हक में जा रहे हैं तरीके का वोट बैंक इस वक्त से है और ये दो नंबरी क्या करें देखिए आसमा शहराजी साहबा ने इन्होंने खबर दी कि जी तरीके इंसाफ सिर्फ शहरी इलाकों में मौजूद है बाकी गांव देहात गोट वहां कुछ भी नहीं है यह बिल्कुल गलत बात है कोई उन्हें बताया जाकर यह चीज कि आप पंजाब के सिर्फ चंद इलाके देख लें बल्कि दो हज़ार बाईस में जो ज़मीनी इंतबाब हुए वो भी देख रहे वो पंजाब के दही इलाके इस वक्त याद रखे तरीके इनकी मकबूलीत उस लेवल पर नहीं थी जो आज है वहाँ जो उम्मीदवार जीते थे झंग में मसलन तो दो हज़ार अठारह में और दो हज़ार बाईस के उसमें तरतालीस हज़ार वोटों से ज़्यादा जीते जंग में फैसल साल याद के वोट में सिर्फ बारह सौ इजाफा हुआ डेरा गाजी खान में दो हज़ार अट्ठारह की नस्बत अट्ठाईस हज़ार वोट पी टी आई के बढ़े मुजफ्फरगढ़ में सत्ताईस हज़ार बढ़े लोधरा में बकर में फैसलाबाद में डेरा गाजी खान में तमाम हलकों में आप देखें जो दही इलाके थे वहाँ तहरीक साफ का वोट में साठ फीसद इजाफा हुआ मैं बात करूँ दो हजार बाईस की जब इमरान खान की मकबूलियत साठ फीसदी आज अगर आप ये तनासब निकालें तो इन वोटों के हिसाब से इमरान खान की मकबूलियत नबे फीसद आप स्टेटिस्टिक पढ़ने वाले किसी बंदे से बैठ के मशुरा कर लें या आसमा शराजी साहब स्टूडियो से निकल छोट छोटे छोटे गाँव का एक दौरा कर लें पाकिस्तान के गाँव वोट देहात दूर तो नहीं है माइक पकड़े चले जाए चार चार बंदों से पूछना तरीक इंसाफ और इमरान खान मौजूद हैं और बड़ी आबोताब से यही वजह कि उम्मीदवार अगवा करने पड़ रहे हैं अगर इन्हें यकीन न होता तो अगवा करने की ज़रूरत ही नहीं अब देखिए लाहौर में इन्होंने तरीकान इंसाफ का दफ्तर सील किया पाकिस्तान के हर उस हल्के में जहाँ मजबूत उम्मीदवार हैं वहाँ ये अगवा कर लेते हैं या उन्हें तहरीक इस्तेकाम में शामिल कराए या सियासत से किनारा कश अभी आप देख लें ऐसा इकबाल का हल्का हो जावे लतीफ़ का हल्का हो हमद नासिर चटा का हल्का हो ख्वाजा आसफ़ का हलका हो हर उस हल्के में जहाँ इन्हें उम्मीदवार नजर आ रहे हैं जीतने वाले उन्हें तहरीके इसकाम के लिए अगवा किया जा रहा है अभी उमर डार के घर आपको पता है लाहौर में बहुत बड़ी रेड हुई सत्तर से ज़्यादा पुलिस वाले घर में घुस के ढूंढते रहे उससे पहले उसके भाई उस्मान डार पर उन्होंने स्ट्रीट लाइट का मुकदमा पर्चा करवाया उसकी वजह क्या है वालदा ने लड़ने का ऐलान किया और इलेक्शन और ख्वाजा आसिफ को पिसू पड़ गई जमील असकर के लाहौर में पाँच थानों की प्रिजन वैन ले डेरा पूरा तोड़ दिया उन्होंने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क्यूम अब्बास सबक सूबाई वजी मलक तैमूर इसको ना मालूम लोगों ने अगवा किया फिर उसका बयान आया वो भी अंग्रेज़ी में ट्विटर में कि जी इंसाफ की तरफ से जो गुमराह करने वाला बयानियाँ उस पर मैं अख्तिलाफ़ करता हूँ मैं इंसाफ को खैराबाद कहता हूँ तो ये वो शख्स था इसकी तरीर पंजाब असम्बली में देखें आप उठा के इतने इतने तगड़े लोग अगवा करने की वजह क्या है उसकी वजह सादी सी है हारून रशीद साहब ने भी बात की मैं भी आपको पहले बता चुका हूँ नवाज़ शरीफ ने वाज तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को कह दिया कि इमरान खान और तहरीकानसाफ़ को अगर लेवल प्लेंग फील्ड दी तो मैं इलेक्शन का बाइक कर लंदन चला जाऊंगा बल्ले का निशान छीनो इनसे से कंपेन इन्हें नहीं चलाने देनी जल से इन्हें नहीं करने देने इमरान खान के हाथ पैर बांध के उसके मुंह पे टेप लगा के रखो मैं छलांग मार के उस रेसलिंग में ऊपर रेटू और रेफरी भी मेरा हो हाथ मार के मुझे बस जीत जीत के अजीत के अीत के ना और नमी अभी जो नामी ग्रामी जो एंकर हैं जो लोंडे लपाड़े कहते हैं लोगों को इमरान खान के उसमें कि लोगों के दिलों में खान फौज के बारे में नफरत डाल रहा है ऐसे जालिम लोग हैं इन्हें तो ये याद नहीं खान ने तो हमेशा का फौज मेरी है शोदा के लिए हमारी जान भी हाज़िर है ये इदारा है इमरान खान ने तो आज तक तरीके साहब के किसी बंदे ने भी पाक फ़ौज के बारे में लफ्ज़ गलत नहीं कहा ये एंकर फरमाते हैं जी फौज इमरान ख़ान को लाई हटा दिया तो कौन सी बड़ी बात हुई आप खामोश हो अपना इंतज़ार करें आपकी बारी आ जाएगी देखे और क्या ऊपर से कहते जी मुझे किसी ने पैगाम देने को नहीं कहा मैं झा तजिया देख ये शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनते हैं ज़लालत के अला दर्जों में फाइज इन्हें नवाज़ शरीफ के बयान नजर नहीं आते मरीम नवाज़ के फजल के या सादेक के किसी के भी इमरान खान और जुल्फ्कार अली भुटो शेख मुजीबो कभी भी किसी कोई इदारे के खिलाफ नफरत पैदा नहीं कर सकता पाक फौज एक अज़ीम फौज है उससे मोहब्बत पा सारे पाकिस्तानी लेकिन बिरयानी की प्लेट से लेकर डी एच ए के प्लाट तक वाले लोगों को अंदाजा नहीं कि ये इदारे नहीं सफ़र का खात लेहराने से बेल्जियम के महिलात बनाने और अकाउंट रखने वाले और स्विस बैंकों में पैसे रखने वाले लोग इदारा नहीं है ये एंकर जो फरमा रहे थे इमरान खान के सारे मुखालफ हैं इमरान खान नहीं जीत सकते तो इन्हें अमरीकी सैनीटर का वो बयान याद करें बल्कि वो सदर रेगन का बयान था शायद जिसने कहा था इमाम खमीनी के बारे में उस वक्त ईरान में कि ज़मीन आसमान की ताकतें खमीनी के ख़िलाफ़ हमारे साथ मौजूद थी लेकिन हमारे साथ खमीनी का खुदा नहीं था वो खमीनी के साथ था तो इस तरह अल्लाह के मदद इमाम खान के साथ है ये गलत सर्वे पेश करते हैं तरीक़ान साहब का मजाक उड़ाते हैं ऐसे में अगर कोई शख्स सच बोलने की कोशिश करेफी असूलों पर खड़ा हो तो उसके साथ हामिद मीर वाला काम शुरू करने लगे हामिद मीर की अभी एक वीडियो खुद आई है उसने कह रहा है कि मुझे नवाज़ शरीफ हुकूमत में आया तो मुझे कहा जा रहा है हामिद मीर के साथ वही करेंगे जो इमरान रियाज के साथ किया जबान काट देंगे अब हामिद मीर को क्यों कह रहे हैं कि पिछले कुछ अर्स में अवाम जमूरीत के हवाले से इलेक्शन के हवाले से वोट को संभालने से डालने के बाद संभालने से उस पर मबनी तबसरा और ये आले शरीफ़ उनके सहूलत को पसंद नहीं ये ख़ुद हामिद मीर के अपने अल्फाज हैं कि मेरी ज़बान खामोश कराने की बात हो रही है तो इन्हें इमरान रियाज से सबक सीखना चाहिए जो कुछ इतना कुछ करके भी आज व डा हुआ है तो हामिद मीर हो कोई बड़ा साफ़ी हो किसी की ज़ुबान बंद करवाने से कोई फ़ायदा नहीं एक बंद करवाएँगे दस मजीद खुल जाएंगी तो बेहतर ये ऐसा काम ना करें हालात काबू में ना रहे देखिए इस वक्त इनके लिए सबसे बड़ा मसला आई है मैं उसे पैसे लेना कर्जे की किस्त लेना फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ वो मशरूत कर रहे हैं बल्कि सियासी इसकाम और साफ एलेक्शन शफाफ एलेक्शन अरब अमारात के साथ जो दस्तखत हो रहे हैं वो सब जानते हैं तस्वीरें बनाने के लिए वो अरब पैसे थोड़ी इस तरह देते हैं उनका दिमाग तो नहीं खराब के एक मज़बूत हुकूमत मौजूद ना हो और फिर वो जानते हैं कि भाई ये जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक आई एम एफ के बाकी इदारे वो मसूद खान साहब के घर भी पहुँचे थे वो सब आ गए सिर्फ नहीं आए तो डॉलर नहीं आए अच्छी अच्छी बातें करके थपकियाँ लगा के चाय कॉफ़ी पी के निकल जाते कोई डॉलर देने का वादा नहीं इससे बड़े बड़े इजलास कर चुके हैं इससे पहले आप अपने हालात खुद बेहतर जब तक नहीं करेंगे अवाम की तइद से हुकूमत नहीं आएगी कोई भी बेवकूफ़ मुल्क है जो अरबों डॉलर अपनी इन्वेस्टमेंट डाल दे आपके मुल्क में आखिर में चौधरी निसार साहब की स्टेटमेंट मंजरेआम पर वो दोबारा वीडियो बहुत लॉन्च हुई है मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ किरदार पर खुल के बाद उसकी वजह यही है कि चौदह निसार मंजर आम पर ज़रूर रहेंगे इलेक्शन से पहले मेरी रिपोर्ट्स तो यही हैं और मेरी ख्वाहिश भी यही है कि चौदिन निसार का इंटरव्यू करो उस पर काफ़ी काम भी हम लोग हैं पर देखें थोड़े को ज़्यादा ही समझें इसमें मंजूर पश्तियों के बारे में बात करूँ उस पर सात दिन के जिसमानी रिमांड पर सी टी डी के हवाले किए काला कपड़ा डाल के अदालत में पेश किया गया इन्हीं अदालतों में जरदारी का बेटा रावनवाल जैसे प्रोटोकॉल से आया करता था किसी की मजाल नहीं थी वो रोक सकता अब जी वीडियो लंबी हो रही है इस पर बात अभी बहुत सारी और भी खबरें हैं लेकिन इंशाल्लाह कवर करूँगा अगले वी लॉग में और उसमें जो काफ़ी तफसील से हैं वो वीडियो और बहुत ही लंबी हो जाती है अपना ख्याल रखें मुझे इजाज़ें अल्लाह हाफिज़